सब्सक्राइब करिए भारत का बेस्ट बॉडी बिल्डिंग चैनल। तो मेरा नाम है असीम और आप लोग देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर। तो दोस्तों हमारा मिस्टर बिग एवोल्यूशन प्रो शो खत्म हो चुका है और मैं सारे रिजल्ट्स लेकर आ चुका हूँ कॉम्पिटिशन के, और भी हमारी जितनी बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स आई है वो भी सारी अपडेट्स लेकर आ चुका हूँ। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल के 100K होने वाले हैं और बहुत ही नजदीक है हम लोग 100K के। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं हो चैनल के तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए, और मैं आप सभी लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूंगा गाइस, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया चैनल को। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर को। अब सबसे पहले रिजल्ट बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मिस्टर बिग एवोल्यूशन प्रो शो हुआ था हमारा, इसका जो प्रेजेंटेशन था काफी बढ़िया था। जैसे कि आप देख सकते हो कि एथलीट्स को कितनी बढ़िया तरीके से इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, मतलब बहुत ही फैंसी तरीके से करा जा रहा था, और ये काफी अच्छी डिटेलिंग लगी मेरे को इवेंट की, और लाइटिंग भी काफी अच्छी थी शो की। तो मैंने ये चीजें नोटिस करी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, और हमारा मेंस फिजिक के जो विनर है उनका नाम है योसेफ जौदी करके इनका नाम है, और ये विनर है मेंस फिजिक डिवीजन के, और ये थर्ड प्लेसिंग लेकर आए थे हमारा जो भी रिसेंटली एम्प्रो प्रो शो हुआ था स्पेन के अंदर। तो इम्प्रूवमेंट है, ये थर्ड से फर्स्ट प्लेसिंग पर आ गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू योसेफ जौदी फॉर विनिंग मेंस फिजिक डिवीजन इन पोर्चुगल प्रो। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं जिनकी सेकंड प्लेसिंग आई है, उनका नाम है बिलाल अली। अब ये हैट्रिक नहीं मार पाए, मतलब ये शेरू इटली जीते थे उसके बाद स्पेन प्रो जीते थे, बट ये नहीं जीत पाया हमारा जो बिग एवोल्यूशन प्रो था पोर्चुगल का, सेकंड प्लेसिंग लेकर आए। और दोस्तों आपको इससे ये पता चलना चाहिए कि फिजिक कितनी जल्दी चेंज हो जाती है। जैसे कि बिलाल अली लास्ट कंपटीशन के अंदर फर्स्ट प्लेसिंग लेकर आए थे स्पेन के अंदर और सेकंड प्लेसिंग लेकर आए इस वाले शो के अंदर, तो फिजिक बहुत ही जल्दी चेंज हो जाती है। खैर यहाँ पे तो हफ्तों के बीच में चेंज हो रही है, पर बॉडी बिल्डिंग जो होती है हमारी उसके अंदर तो कंपटीशन के दौरान ही चेंज हो जाती है फिजिक। बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल स्पोर्ट है ये दोस्तों। मैं ये भी आर्ग्यूमेंट करना चाहूंगा कि बिलाल अली काफी बढ़िया लग रहे थे इस शो के अंदर और वो जीत भी सकते थे, तो इट वॉज अ वेरी क्लोज बैटल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आप लोग मुझे दोस्तों कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या बिलाल अली को जीतना चाहिए था या फिर जो योसेफ जौदी हमारे विनर बने हैं उन्हीं को जीतना चाहिए था। तो आप लोग ये मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे मनोज पाटिल के बारे में और उनकी प्लेसिंग क्या थी शो के अंदर और उन्होंने कैसा परफॉर्म करा था। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मनोज पाटिल सेकंड कॉल आउट के अंदर आए थे और उनकी प्लेसिंग आई है 11th, मतलब वो आउट ऑफ टॉप 10 हो गए थे। अब दोस्तों अगर बात करते हैं उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो उनकी बैक जो थी काफी बढ़िया लग रही थी, मतलब सेकंड कॉल आउट के अंदर सबसे बढ़िया बैक मेरे को मनोज पाटिल की लग रही थी। एंड आई वुड से कि मनोज पाटिल ने इंप्रूवमेंट करी थी, जैसे कि आप लोग इस वीडियो के अंदर देख सकते हो कि कंडीशनिंग पहले से बेटर थी। अगर आप लोग शेरू इटली से कंपेयर करोगे और अगर आप लोग स्पेन प्रो से कंपेयर करोगे तो मनोज पाटिल की कंडीशनिंग मच बेटर थी इस वाले कॉन्टेस्ट के अंदर। और आप लोग प्लेसिंग के अंदर भी देख सकते हो उनकी लास्ट प्लेसिंग आई थी 13th और इस वाले शो के अंदर वो 11th प्लेसिंग लेकर आए थे। तो नो क्वेश्चंस, मनोज पाटिल डेफिनेटली इंप्रूव्ड। अब वो सेकंड कॉल आउट के अंदर आए थे और उनकी प्लेसिंग 11th आई है। तो दोस्तों अब यही रहेगा उनका कि वो आगे जाके कोई लंबा ऑफ सीजन लेंगे और उसके बाद जाके उनको कंपीट करना चाहिए ताकि वो नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स कर सके मनोज पाटिल। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मनोज पाटिल ने भी काफी अच्छा परफॉर्म करा। अब यही उम्मीद करूंगा कि मनोज पाटिल अपने नेक्स्ट कॉन्टेस्ट के अंदर और भी बढ़िया वर्जन लेकर आएंगे और बेटर प्लेसिंग लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग दूसरे डिवीजन के रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं, बिकॉज आप लोग मेरी वीडियो पे कमेंट करते हो कि मैं दूसरे डिवीजन्स के बारे में नहीं बात करता। तो दोस्तों मैं सिर्फ मेंस बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात करूंगा। तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 212 डिवीजन के बारे में, जिसके अंदर की डीन वाइट जीत चुके हैं हमारा पोर्चुगल प्रो। और एक खास बात यह दोस्तों कि इन्होंने मतलब येस्टरडे ही जीता था हमारा जो प्रो क्वालिफायर्स था, मतलब ये कल ही प्रो बने थे और उसके बाद आज ये प्रो शो जीत चुके हैं और ये क्वालिफाई कर चुके हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए। तो काफी एक क्रेजी मोमेंट है उनके लिए और मैं कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा डीन वाइट को, क्योंकि वो जीत चुके हैं 212 डिवीजन पोर्चुगल प्रो का। उसके बाद दोस्तों हमारे क्लासिक फिजिक डिवीजन के अंदर जो विनर है उनका नाम है फैबियन मेयर करके इनका नाम है, और ये दोस्तों ये एम्प्रो प्रो शो भी जीत चुके थे जो स्पेन में हुआ था, मतलब इनकी बैक टू बैक विन्स आई हैं, तो मैं कांग्रेचुलेशन इनको भी कहना चाहूंगा। उसके बाद दोस्तों हमारा मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो विनर है उनका नाम है एंड्रिया प्रेस्टी, और ये विनर है ओपन बॉडी बिल्डिंग के और फाइनली ये क्वालिफाई कर चुके हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए, तो मैं इनको भी बहुत बड़ा कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा। तो दोस्तों ये थे हमारे रिजल्ट्स मिस्टर बिग एवोल्यूशन प्रो के। उसके बाद दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ मिस्टर एशिया की अपडेट के बारे में। उसके अंदर दोस्तों हमारे जो एथलीट कम्पीट करने वाले जिनका नाम सर्वनन है, मैं फाइनली इनकी तरफ से इनकी अपडेट लेकर आ चुका हूँ, बिकॉज ये अपडेट्स ही नहीं डालते अपने इंस्टाग्राम के अंदर। तो अभी रिसेंटली एक जिम ओपनिंग हुई थी, उसके अंदर इन्होंने गेस्ट पोजिंग करी थी और उसकी फोटोज मैं लेकर आ चुका हूँ, वीडियोज नहीं है मेरे पास, पर आप लोग फोटोज देख सकते हो कि सर्वनन कैसे लग रहे हैं। अब दोस्तों मेरे हिसाब से मैं क्या बोलूं दोस्तों, ही इज लुकिंग रियली गुड। अगर आप कंडीशनिंग को हटा दो, अगर आप सिर्फ उनकी शेप पर अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट इंडियन बॉडी बिल्डर्स। अगर आप इनकी शेप देखोगे तो मुझे क्लासिक फिजिक से काफी ज्यादा रिजेंबलेंस लगती है, बट ही इज कम्पीटिंग इन ओपन बॉडी बिल्डिंग। तो आप लोग देख सकते हो कि कितना
शेप इनकी कितनी बढ़िया आती है। अगर आप इनका वी टेपर देखोगे, इनकी आप लेग्स देखोगे, अगर आप इनकी राउंडनेस देखोगे, मसल बेलीज देखोगे शोल्डर्स के अंदर, तो सर्वरन इज लुकिंग प्रीटी ग्रेट और काफी अच्छी एक्सपेक्टेशन है कि ये काफी बढ़िया परफॉर्म करेंगे मिस्टर एशिया के अंदर। तो आप लोग दोस्तों स्टे ट्यून्ड रहिए इनकी अपडेट्स के बारे में, बिकॉज ये काफी ज्यादा डेंजरस बॉडी बिल्डर होने वाले मिस्टर एशिया के अंदर। उसके बाद दोस्तों हम लोग अपनी अगली अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आ रही है गौरव तनेजा की तरफ से। अब दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि गौरव तनेजा को जेल हो गई थी उनके बर्थडे वाले दिन, और उसके दोस्तों थोड़े टाइम के बाद ही उनको बेल मिल गई थी, और काफ़ी अच्छा लगा देख के कि उनको बेल मिल गई थी। और उसके बाद वो स्टेटस लिखते हैं अपने इंस्टाग्राम के अंदर और कैप्शन के अंदर मेंशन करते हैं, वो अपनी वाइफ को थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उनका दिन काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल बना दिया था लिटरली। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ये क्रेजी स्टोरी हो गई थी उनके साथ कि अपने बर्थडे वाले दिन ही उनको जेल जाना पड़ा था और उसके थोड़े टाइम के बाद ही उनको बेल मिल गई थी। तो ये वाली अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपनी अगली अपडेट के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि आ रही सुनीत जाधव की तरफ से। अब सुनीत जाधव अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ज्यादा अपडेट्स नहीं डालते हैं, पर आप लोग इस फोटो के अंदर देख सकते हो कि सुनीत जाधव ने अपना शोल्डर वर्कआउट कंप्लीट किया था और उसके बाद अपना फोटो डाली थी इंस्टाग्राम के ऊपर। तो आप लोग देख सकते हो कि कैसे लग रहे हैं, और उसके अंदर हानी रैमबॉर्ड भी कमेंट करते हैं। और दोस्तों ये वाली फोटो देख के मेरे को ये लग रहा है कि क्या उन्होंने प्रेप स्टार्ट कर दी अपने अगले कॉम्पिटिशन के लिए। मतलब वो अब नेक्स्ट जून का कॉम्पिटिशन होगा, वो प्रो शो के अंदर तो कम्पीट करेंगे ही, बट क्या उनकी प्रेपरेशन स्टार्ट हो चुकी है? तो जो भी उनकी अपडेट आएगी वो अनाउंस कर देंगे अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, और जो भी उनकी तरफ से अपडेट आती है वो आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी। बाकी आप लोगों को दोस्तों उनकी फिजिक देखकर कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो की आखिरी अपडेट के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि आ रही है अरविंद स्पार्टेगस की तरफ से। अब दोस्तों अरविंद स्पार्टेगस की जो टीम है वो इंस्टाग्राम के अंदर कैप्शन लिखती है कि वो एक नया वर्जन लेकर आने वाले हैं और एक मॉन्स्टर वाला वर्जन लेकर आने वाले अपना। और दोस्तों मॉन्स्टर वाला वर्जन लेकर आने वाले, इसका मतलब वो अपनी जो डिवीजन है वो स्विच करने वाले हैं, मतलब वो मेंस फिजिक से अब ओपन बॉडी बिल्डिंग के अंदर कम्पीट करेंगे। अब दोस्तों इसके अंदर एक चीज है कि मेंस फिजिक के अंदर अरविंद स्पार्टेगस को ठीक से ट्रीट नहीं करा जाता। जैसे आप सभी लोगों को पता हो कि जजेस जो हैं अरविंद स्पार्टेगस को मेंस फिजिक का एथलीट समझते ही नहीं है। तो अरविंद स्पार्टेगस ने अब ये डिसाइड करा है कि अगर वो मेंस फिजिक के अंदर नहीं प्लेसिंग लेकर आ पा रहे तो वो ओपन बॉडी बिल्डिंग के अंदर स्विच कर जाएंगे। और अभी मेरे को सुनने में भी आ रहा था कि किसी ने मुझे बोला था कि वो लाइव वीडियो पर आए थे रिसेंटली और उन्होंने कहा था कि वो ओपन बॉडी बिल्डिंग के अंदर कम्पीट करने वाले हैं। बाकी दोस्तों अब देखते हैं कि वो फुल फोर्स के साथ अब वो कम्पीट करने वाले हैं मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग के अंदर। और आप लोगों के दोस्तों क्या थॉट्स हैं कि क्या अरविंद स्पार्टेगस सही कर रहे हैं मेंस फिजिक से स्विच करके ओपन बॉडी बिल्डिंग के अंदर आ रहे हैं वो? तो क्या ये सही मूव है या फिर नहीं सही मूव है? आप लोग मेरे को ये अपने थॉट्स जो हैं कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को बहुत बड़ा लाइक दे दीजिए और सब्सक्राइब करिए बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर को। तो मैं आप सभी लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय।